हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ टमाटो रसम की रेसिपी। टमाटो रसम बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर दो बड़े जिसे हम बारीक काट लेंगे, अदरक एक इंच का टुकड़ा, लहसुन 5 से 7 कलियाँ, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, रसम पाउडर 2 बड़े चम्मच। रसम पाउडर की रेसिपी चेक करने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इमली का पल्प हम बनाएंगे, जिसे कि हम छोटे नींबू जितने साइज़ के इमली के बॉल से बना लेंगे। शुगर या जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर लगभग 1/2 चम्मच। और तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए घी 1 बड़ा चम्मच, सरसों दाना 1 चम्मच, उड़द दाल 1 चम्मच, मेथी दाना 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी और करी लीव्स 6 से 8 और साथ ही सूखी लाल मिर्च 2 से 3। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से कूट लेंगे। चाहे तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे कूट कर यूज़ किया है। अब हम एक कढ़ाई में कटे हुए टमाटर को उबलने के लिए डाल देंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे, हल्दी, अदरक लहसुन जो कि हमने कूट कर तैयार कर लिया है और 1 कप पानी। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम ढक करके तब तक पकने देंगे जब तक कि टमाटर का छिलका उससे अलग होने लगता है। इसके लिए हमें इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम्स पर पकाना होगा। अब ये टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, इनका छिलका इससे अलग होने लगा है। अब हम इसमें डालते हैं पानी, क्योंकि रसम काफ़ी पतला होता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं, लेकिन रसम काफ़ी पतला होता है। और इसमें हम इमली का पल्प बना करके उसे छान कर डाल देंगे। इसके लिए मैंने इमली को पहले ही गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जब इमली अच्छी तरह से भीग जाती है तो उसे उंगलियों से मसल कर हम उसका पल्प बना लेते हैं। अब हम इमली के पल्प को छान करके रसम में मिला लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं रसम पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 टमाटर का रसम बनाने के लिए हम उसमें 3 से 4 कप पानी मिला सकते हैं। ये अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें शुगर मिला लेंगे। जब भी हम किसी भी रेसिपी में इमली यूज़ करते हैं तो उसमें हमें शुगर ज़रूर मिलाना चाहिए। इससे इमली का टेस्ट बैलेंस हो जाता है और इमली को अच्छी तरह पकाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके कच्चेपन की स्मेल आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब रसम इतना पकने के बाद उसमें ऊपर हमें सफ़ेद झाग जैसे दिख रहे हैं। तो अब हम रसम को तब तक पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम्स पर जब तक कि ये झाग अच्छी तरह से ग्रेवी में मिल जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि रसम के ऊपर एक थिक सी लेयर है, ना कि झाग है। तो अब रसम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें फ्रेश धनिया मिला लेते हैं। अब हम रसम के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में हम 1 चम्मच घी गरम करते हैं। अब हम इसमें डालते हैं मेथी दाना, सरसों, उड़द दाल और लाल मिर्च, हींग और करी लीव्स। थोड़ा सा भून लें और अब ये तड़का बिल्कुल तैयार है। इसे हम रसम में मिला लेंगे। अब ये रसम बिल्कुल तैयार है। इसे हम गरम गरम राइस के साथ में सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी टमाटो रसम बनाने की आसान सी रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।
और अगर आपको रसम पाउडर की रेसिपी चेक करनी है तो प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक द रसम पाउडर रेसिपी। थैंक्स अ लॉट।